हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट हीटिंग एंड वेल्डिंग के जो एमसीक्यूज हैं उनको हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने गौर किया है इन पे, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ अभी एमसीक्यू हैं वो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी लेटेस्ट जो यूपीसीएल का हुआ था उसमें भी एक दो क्वेश्चन उनसे आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कृपया ध्यान से सुनिए जो मैं बताऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं। हीटिंग एंड वेल्डिंग से कोई भी यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इनमें से ज़रूर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही केयरफुली आप ध्यान दीजिए, आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, इससे मुझे मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। आप यदि सब्सक्राइब करेंगे, चैनल शेयर करेंगे और भी अदर लोगों की, आपके शेयर करने से बहुत लोगों की हेल्प होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हीटिंग बाई इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, ऐसा है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एडवांटेज बताना हमें किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें से मतलब कौन सा एडवांटेज है जो हीटिंग बाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब हीटिंग करते हैं तो हमें कौन से एडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवांटेज जानते होंगे कि बाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यदि हम हीटिंग करते हैं तो कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्विकर ऑपरेशन है, हायर एफिशिएंसी है, अफिशे अब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस है, ऑल ऑफ दी अबव है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर चूंकि इसमें दिया गया है तो वैसे ही सबको पता चल जाएगा, फिर भी इसमें क्या है, क्या होंगे ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर टू, हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इनमें से जो थर्मल कंडक्टिविटी है उनमें उनकी हाइएस्ट वैल्यू किन की है? कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील। तो दोस्तों, क्या है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड हैज मैक्सिमम पावर फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड हैज मैक्सिमम पावर फैक्टर। तो दोस्तों, आप शायद जानते हो कौन से मेथड में पावर फैक्टर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर मैक्सिमम क्या होता है आप जानते हैं, जो वन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आर्क हीटिंग में होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में होता है, इंडक्शन हीटिंग में होता है, या फिर रेजिस्टेंस हीटिंग में होता है। तो दोस्तों, जैसा कि पावर फैक्टर क्या है, मैक्सिमम कितना होता है, वन, तो क्या होना चाहिए आंसर, रेजिस्टेंस हीटिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड हैज लीडिंग पावर फैक्टर, मेथड हैज लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब कौन से मेथड में क्या कौन से कैसा पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों, क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, या आर्क हीटिंग, या फिर इंडक्शन हीटिंग। तो दोस्तों, आप जानते हैं लीडिंग पावर फैक्टर किस में होना चाहिए ज़्यादा, तो वो है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको बता दूं, जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है इसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है, मतलब वन होता है, और जो इंडक्शन हीटिंग होगी उसमें क्या है, वन से कम होगा, और जो आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है उसमें क्या है, वन से ज़्यादा होगा, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर होगा। क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वो एक तरह से क्या है, वहाँ पे कैपेसिटेंस जो आपका है वो वर्क करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, दो प्लेटें होती हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसे क्या हम हीट करते हैं तो क्या है, एक प्रकार से वो कैपेसिटर बन जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, इज यूज फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। नॉन मतलब कौन सी हीटिंग हम क्या है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या इजी एडी करंट हीटिंग, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, या फिर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बताया, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। तो इसमें सॉरी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो तो हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो मेथड यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की हीटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके दोस्त,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई, मतलब कौन सा मेथड है जो फ्रिक्वेंसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या है, इंडक्शन हीटिंग है, डायलेक्ट्रिक हीटिंग है, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग है, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, बाकी सब क्या है फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ बॉडी रिफ्लेक्ट इंटायर रेडिएशन, व्हेन अ बॉडी रिफ्लेक्ट इंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, देन इट इज नोन एज व्हाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी या फिर ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो दोस्तों आप जानते हैं कौन सा जो कलर होता है वो क्या है पूरा इन सब पूरा का पूरा रेडिएशन क्या कर देता है। तो पूरा पूरा क्या करता है रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है, तो कौन सी बॉडी होती है, वो व्हाइट बॉडी होती है, और ब्लैक क्या है पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। वेल फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट, कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों बॉडी के टेम्परेचर, या फिर बोथ बॉडीज मस्ट बी सॉलिड, दोनों सॉलिड होना चाहिए, बोथ बॉडीज मस्ट बी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, या एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडीज मस्ट हैव सम सोर्स ऑफ हीटिंग। तो दोस्तों आपने जैसा कि आप शायद पढ़ा हो आपने, तो क्या हो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी हीट का जो ट्रांसमिशन वन बॉडी से अनदर बॉडी में होगा, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा। तो कैसे कब पॉसिबल होगा वो, जब दोनों का टेम्परेचर क्या है डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर वाई कंडीशन विल नॉट ऑकर व्हेन, हीट ट्रांसफर वाई कंडीशन विल नॉट ऑकर व्हेन अ बॉडीज बॉडीज आर केप्ट इन वैक्यूम, बॉडीज आर इमर्स्ड इन वाटर, बॉडीज आर एक्सपोज्ड टू थर्मल रेडिएशन, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल। तो दोस्तों जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया उसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट ये है। क्या है कब, मतलब हीट ट्रांसफर कब ऑकर नहीं होगा या कौन सी कंडीशन में ऑकर नहीं होगा, तो उसमें क्या है यदि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या है सेम है तो कैसे हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन दैट, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन दैट ट्रांसमिट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस, रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। तो दोस्तों अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब, मतलब अभी जो व्हाइट बॉडी थी वो क्या है रिफ्लेक्ट कर देती है ऑल रेडिएशन को, जबकि ब्लैक बॉडी है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेती है। दोस्तों दोस्तों मैं कुछ आपसे बातें जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर, मैंने अभी ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं हैं, बनाए हैं तो उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, या फिर और भी बहुत सारी कमियां होंगी मुझ में जो कि मुझे नहीं दिखती या खुद को नहीं पता चलती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके मुझे बताएंगे मुझमें जो कमियां हैं ताकि मैं सुधार कर सकूँ और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, जिससे आपको और अच्छा कंटेंट मिले। ओके फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप धड़ाधड़ कमेंट करिए, जो भी कमियां हैं मुझे बताइए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा, और इससे क्या है आपको भी, और मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि जो जो कमियां हैं आप जरूर बताइए, तारीफ करो या नहीं करो लेकिन आप मुझमें जो कमियां हैं वो जरूर बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूं। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाई कंडीशन कन्वेंशन एंड रेडिएशन, क्या हीट ट्रांसफर साइमल्टेनियसली बाई कंडीशन कन्वेंशन एंड रेडिएशन, क्या इनसाइड द बॉयलर फर्नेस
ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस थ्रू द सरफेस ऑफ द इंसुलेटेड पाइप कैरिंग स्टीम फ्रॉम रेफ्रिजरेटर कॉइल टू फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा, इनसाइड द बॉयलर फर्नेस। जो बॉयलर फर्नेस होता है इसमें क्या है, तीनों कंडीशन एक साथ होती हैं, क्या कंडक्शन भी होता है, कन्वेंशन भी होता है और रेडिएशन भी होता है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, कंडक्शन है। ओके दोस्तों, तो आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट एंड मिसाइल एट वेरी हाई स्पीड्स इन टू अर्थ एटमोसफियर टू नॉन एज। जब तो आप जानते हैं जब सैटेलाइट या मिसाइल है वो बहुत ही स्पीड से अर्थ के एटमोसफियर में क्या है वापस आते हैं, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये हमें बताना है। तो क्या है, एबलेशन, रेडिएशन, विस्कस डिसिपेशन या इरेडिएशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एबलेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें बताना हमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होगी, वाटर हुआ, स्टीम हुई, या सॉलिड आइस हुई, या मेल्टिंग आइस हुई। तो दोस्तों आप जानते हैं सॉलिड आइस की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल, थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल, न्यूक्लिएट हीटिंग प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। दोस्तों क्या है आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल वॉज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, एवेस्टस पेपर, या ऑप्शन नंबर ए क्या है, एस्बेस्टस पेपर, या डाई एटमोस्फियरिक अर्थ, 80% मैग्नीशियम, या कॉर्क। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन डायमेंशनल नंबर जनरली एसोसिएटेड विथ न्यूट्रल सॉरी नेचुरल कन्वेंशन हीट ट्रांसफर इज। दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या है, परेंडिटल नंबर, ग्रासहॉफ नंबर, या पेसिलेट नंबर, या नसेल्ट नंबर। तो दोस्तों इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रासहॉफ नंबर। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेस इज यूजली मीजर्ड बाई विच ऑफ द
फॉलोइंग किससे मेजर करते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, या अल्कोहल थर्मोमीटर, या एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों किसी के थ्रू हम मेजर करते हैं एक फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है? ऑप्टिकल पायरोमीटर। किसके थ्रू? ऑप्टिकल पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ फर्नेस इज इंक्रीज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ फर्नेस इज इंक्रीज्ड? हीट लॉस थ्रू फर्नेस वॉल विल इंक्रीज, टेम्परेचर इनसाइड द फर्नेस विल फॉल, टेम्परेचर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फर्नेस वॉल विल ड्रॉप, या एनर्जी कंजप्शन विल इंक्रीज। दोस्तों आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फर्नेस वॉल विल ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग सॉरी द मटेरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट फॉर अ फर्नेस शुड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हायर टेम्परेचर कोफिशेंट, या हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों कैसा होना चाहिए? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमोस्फियर इज इन अ रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमोस्फियर इज ऑक्सीडाइजिंग, डीऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड न्यूट्रल। दोस्तों कैसा होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टेम्परेचर इनसाइड आर्क आर्कनेस कैन बी वेरीड। आर्क फर्नेस इनसाइड द आर्क फर्नेस कैन वेरीज। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन देखिए इसके, बाय डिसकनेक्टिंग सम ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, बाय वेरिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज, बाय वेरिंग द करेंट थ्रू द थ्रू हीटिंग एलिमेंट्स, या बाय एनी ऑफ द अबव मेथड। दोस्तों इनमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडक्शन हीटिंग इज नॉर्म अब नॉर्मली हाई, क्या फेज एंगल, फ्रिक्वेंसी, करेंट, या वोल्टेज? तो दोस्तों इंडक्शन हीटिंग में क्या फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? इज अबनॉर्मली हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, वाई द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेंड। वाई द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेंड? कोरलेस ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर सेट, या मल्टी फेज ट्रांसफार्मर? तो दोस्तों कैसा होना चाहिए? मोटर जनरेटर सेट। किसके थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं? मोटर जनरेटर सेट। क्वेश्चन नंबर 24, इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, हीटिंग ऑफ इंसुलेटर, अ मेल्टिंग एल्यूमिनियम, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर कन्वेक्टर एक मिनट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर द मेथड ऑफ हीटिंग यूज इज आर्क हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, या डाइलेक्ट्रिक हीटिंग? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड यूज करते हैं इसमें हम, वो कौन सा मेथड है? रेजिस्टेंस हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज वेरिएशन, थर्मोस्टेट वेरिएशन, थर्मोस्टेट, या ऑटो ट्रांसफार्मर, या सीरीज पैरेलल ऑपरेशन? तो दोस्तों कैसा होता है इसमें? सीरीज पैरेलल ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज्ड, इन एन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर, एज अ डिवाइस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, फॉर इंडक्शन हीटिंग? तो दोस्तों इसमें क्या है, हम माइका की यूज कैसे करते हैं? एज एन इंसुलेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस इट विच ऑफ द फॉलोइंग, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स विच आर मैग्नेटिक, कंडक्टिंग मटेरियल विच आर नॉन मैग्नेटिक, कंडक्टिंग मटेरियल विच मे और मे नॉट बी मैग्नेटिक। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टिंग मटेरियल विच मे और मे नॉट बी मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी, फॉर हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल इज चूजन टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, इंक्रीज द लाइफ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, या रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, या प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या सही है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाइएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ निकल कॉपर या नाइक्रोम, निकल कार्बाइड, सिल्वर। तो दोस्तों क्या आंसर है, निकल कार्बाइड। दोस्तों वीडियो कुछ लंबा हो रहा है क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है थोड़ा झेल लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है, आप आपके एक साथ सारा पूरा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिएगा और वीडियो पूरा देखिए देखिएगा, जिससे आपको हेल्प मिले एग्जाम में और आप सक्सेस हासिल करें। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 31 क्वेश्चन, फॉर इंटरमिटेंट वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस इज सुटेबल, फॉर इंटरमिटेंट वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस इज सुटेबल, इनडायरेक्ट आर फर्नेस, कोरलेस फर्नेस, या आइदर ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या है, इनडायरेक्ट आर फर्नेस किसके लिए, इंटरमिटेंट वर्क के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इट इज डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट आर्क लेंथ, टू अचीव बेटर हीटिंग, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ रूफ रिफ्रैक्टरी, टू हैव बेटर स्ट्रिंग एक्शन, टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्या है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाई रेडिएशन, कन्वेंशन, कंडक्शन, या एनी ऑफ द वर्ब। तो दोस्तों ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा हीट किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपरली ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायर्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, टू अवॉइड इनिशियल रश ऑफ करेंट, टू अवॉइड चेंज इन क्लोवाट रेटिंग विथ टेम्परेचर, या बोथ एंड बी आदर ए एंड बी। तो दोस्तों क्या है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेस। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, पीरियोडिकल स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द सप्लाई, ऑल ऑफ द अबव मेथड्स। दोस्तों कैसा होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज डिजायरेबल टू ऑपरेट द आर्क फर्नेस एट पावर फैक्टर ऑफ 0.707 लैगिंग यूनिटी, या 0.707 लीडिंग, या फिर बी। इसमें किस में है पूछ रहा है, आर्क फर्नेस में। ओके फ्रेंड्स, डिजायरेबल जो होता है क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 0.707 लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37, रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी आर प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, डी, टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी की पावर 3, या टी की पावर इसमें दिया नहीं गया है दोस्तों, तो टी की पावर क्या होता है, 4 होता है। ओके फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क फर्नेस द फंक्शन ऑफ चोक इज, जो चोक होती है उसका फंक्शन क्या होता है आर्क फर्नेस में, टू स्टेबलाइज द आर्क, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, टू रिड्यूस सेवरिटी ऑफ द सर्ज, एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या होता है, टू स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को क्या है बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ जैक्स वाइट फर्नेस इज स्टार्टेड व्हेन, इट इज फिल्ड बिलो कोर लेवल, इट इज फिल्ड अबव द कोर लेवल, इट इज फुली एम्प्टी,
नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों कैसा होना चाहिए, इट इज फिल अबव द कोर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी इसमें पूछा गया था, जो लास्ट टाइम यूपीएससीएल का एग्जाम हुआ है। इन इलेक्ट्रिकल प्रेस माइका इज यूज बिकॉज इट इज क्या है, गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट एंड गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें बताना है जो माइका होता है वो हीट का कैसा होता है, गुड गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। तो दोस्तों हीट का कैसा होता है, माइका गुड कंडक्टर होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, मतलब एक इंसुलेटर होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। हम धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। और फ्रेंड्स थोड़ा रेस्ट कर, चलिए हाँ बढ़ते हैं, फिर आराम करेंगे। आराम करने के लिए तो बहुत टाइम है ना, तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं अपना टॉपिक। 41 क्वेश्चन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। रेजिस्टेंस वेरिएशन मेथड ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस वेरिएशन मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इज डन बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस एलिमेंट इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों कैसा होता है, ऑल ऑफ दी अबव। हम किसी भी मेथड के थ्रू रेजिस्टेंस वेरिएशन कर सकते हैं, किसके लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर यूज्ड इन किसमें, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का हम यूज किस में करते हैं, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग या फिर इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास या रेजिस्टेंस हीटिंग। दोस्तों किस में करते हैं हम, इंडक्शन हीटिंग ऑफ अ स्टील, किस में अगर यूज करते हैं, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हीटिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाई इंडक्शन हीटिंग, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द चार्ज, हिस्टेरिसिस लॉस टेकिंग प्लेस बिलो क्यूरी टेम्परेचर ड्यू टू हिस्टेरिसिस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस टेकिंग प्लेस इन चार्ज या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कौन सा इंडक्शन है, या क्यों हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया गया है, ड्यू टू हिस्टेरिसिस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस टेकिंग प्लेस इन द चार्ज। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएंट हीटिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, रेडिएंट हीटिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, अनीलिंग ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग ऑफ फेरस मेटल्स, हीटिंग ऑफ लिक्विड्स एंड इलेक्ट्रिक केटल या ड्राइंग ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस। तो दोस्तों आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ड्राइंग ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस, जो रेडिएंट हीटिंग यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इन अ फर्नेस, थर्मोस्टेट, थर्मोकपल, ऑटो ट्रांसफार्मर, हीटिंग एलिमेंट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस मटेरियल। तो दोस्तों इसमें कौन सा यूज करते हैं हम, थर्मोकपल का यूज करते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, फॉर रेडिएंट हीटिंग अराउंड 2 to 50 डिग्री सेल्सियस टू हीटिंग, द हीटिंग एलिमेंट आर मेड ऑफ कॉपर एलॉय, कार्बन टंगस्टन एलॉय या स्टेनलेस स्टील है। तो दोस्तों आप जानते हैं ये क्या, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, इसके लिए हम क्या करें, टंगस्टन एलॉय का जो एलिमेंट होगा उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एडी करंट हीटिंग, द अमाउंट ऑफ हीटिंग हीट जनरेट कैन बी कंट्रोल एक्यूरेटली, हीट एट वेरी हाई रेट कैन बी जनरेटेड, द एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच हीट इज प्रोड्यूस कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द इलेक्ट्रोड ऑफ आर डाई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इज मेड ऑफ, टंगस्टन, ग्रेफाइड, सिल्वर, कॉपर, क्या होगा दोस्तों, ग्रेफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आर्क फर्नेस है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर, यूनिटी, लो लैगिंग, लो लीडिंग, एनी ऑफ द। तो दोस्तों क्या ऐसा होना चाहिए आर्क फर्नेस के लिए, लो लैगिंग। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें आया था कैसा पावर फैक्टर होना चाहिए, 0.707 लैगिंग।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन या और लास्ट। ओके फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज हाई वैल्यू, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों क्या करंट आर्क फर्नेस के लिए किसकी वैल्यू हाई होना चाहिए? करंट की वैल्यू। दोस्तों ये वीडियो का अंत है और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप कृपया करके वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है अपने सारे दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करिए, जिससे दूसरों लोगों की हेल्प हो और मुझे भी लगेगा, आप शेयर करेंगे तो मुझे भी लगेगा हाँ मेरी मेहनत क्या है उस सही जगह मैं यूज हो रही है। और इससे यदि एक भी बंदे को लाभ मिलता है आपके शेयर करने से तो मेरे लिए 1,000 के बराबर है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बहुत सारी कमियां होंगी मुझ में तो आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेंगे। वैसे अपने आप तो इतना पता नहीं चलता है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ अपने हर एक नए वीडियो में कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, लेकिन आप यदि बताएंगे तो वो और जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करिए, दिल खोल कर करिए। ओके फ्रेंड्स, और खुश रहिए, मौज करिए और पढ़ाई करिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, छोटों को प्यार दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।